हेलो स्टूडेंट, न्यू लाइफ क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ लिया था। मॉडर्न हिस्ट्री का ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर वाइज मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, सुपर फास्ट रिवीजन। आज हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और बंगाल में कैसे लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में लड़ाई लड़ी, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध हुए और कैसे वहाँ पर शासन स्थापित हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, चाहे वो यूपीएससी प्री का हुआ, एसएससी सीजीएल में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे और अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि कितना आपको आ रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ बंगाल के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर मैं आपको बताता चलूँगा, आप लोग देखते रहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ बंगाल, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल मुर्शिद कुली खां था। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, वह था प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में परास्त किया? प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। बंगाल का नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए किसने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा? मीर जाफर। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? ऐसी संज्ञा किसे दी गई है? तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। जब बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट था। अगला क्वेश्चन हमारा, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब मीर जाफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? शाह आलम द्वितीय, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित किया? बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध जो था वो सबसे निर्णायक युद्ध रहा जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित किया था। 1765 में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो वह जनजाति थी खासी जनजाति। 1760 के वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने किसे हराया था? फ्रेंच सेना को। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना में, जिसमें ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी सेना को हराया था। चिलियावाला युद्ध किनके बीच हुआ था? लॉर्ड डलहौजी और सिखों के बीच हुआ था। खुर्दा का युद्ध किनके बीच हुआ था? निजाम और मराठों के बीच हुआ था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा हुआ था? मराठों के द्वारा। भारत में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध मराठों ने किया था और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री में भी पूछा गया है, यूपीएससी के सीजीएल में भी कई बार यह पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब हम कुछ क्षेत्रीय राज्यों के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन थी? लाहौर। लाहौर इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में। महाराजा रणजीत सिंह ने टोपों के निर्माण के लिए कहाँ आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किए? लाहौर में। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड्ग सिंह। और सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यों की परिषद के सदस्य कौन कौन थे? सर हेनरी रॉलेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेविल मांस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1766 से 1769 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में किस ब्रिटिश जनरल ने हराया था? आयरकूट ने। आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। टीपू सुल्तान ने
अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया, वह था टीपू सुल्तान। 1780 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया था? पोलीपुर में। टीपू ने मैसूर के किस मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति निर्माण हेतु धन दिया था? श्रृंगेरी मंदिर। अंग्रेजों के साथ युद्ध में टीपू सुल्तान कब मारे गए? 1799 ईस्वी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। अंग्रेजों के साथ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में। तो हमारा सेकेंड चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म होता है, और थर्ड चैप्टर के लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि वीडियो आपसे कोई छूटे ना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आपको क्लिक करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर करते रहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुँच